छोले कुलचे तो आपने बहुत खाए होंगे, पर हम आपको दिखाएंगे ऐसे छोले कुलचे जो 60-65 सालों से जमीन पे बैठ के ही बेचते हैं। इनकी तीसरी पीढ़ी भी आ चुकी है मगर फिर भी वो जमीन पे ही बैठते हैं। बड़े बड़े शेफ इनके आगे फेल हैं और टेस्ट ऐसा कि आप खाते ही पागल हो जाएंगे। तो भाई हम हैं इस टाइम लाजपत नगर की सेंट्रल मार्केट में और यहाँ पे जो है भाई एक सियाराम जी के छोले कुलचे हैं जो काफी मशहूर है, काफी फेमस है। और पिछले कितने सालों से भैया बेच रहे हो? 65 साल के आसपास। तो 65 सालों से यहीं पे इसी तरीके से बेच रहे हैं आप। सबसे पहले चेक करो कि आज भी इन्होंने कोई रेडी नहीं ले रखी, कोई स्टॉल नहीं लगाया हुआ। आज भी जिस तरीके से इनके पापा बेचा करते थे उसी तरीके से ये आज बेच रहे हैं जमीन पे बैठ के ही। और भाई टेस्ट काफी बढ़िया होने वाला है, दमदार होने वाला है। ये देखिए भाई इनके छोले रखे हैं, ये आगे जी प्लेट दबादब लगती रहती है, भीड़ लगी रहती है यहाँ पे कस्टमरों की खाने के लिए। जी यहाँ के ओनर से ही बात करते हैं, सियाराम छोले कुलचे। नमस्कार जी। तो ये कितना पुराना अपना सेटअप है? ये 1956 से है। 1956 से? तो उससे पहले पिताजी बैठते थे। ओके, तब से ऐसे ही मतलब अंदर बैठते थे, पहले पार्क नहीं था ये। अच्छा, पहले पार्क नहीं था, मतलब काफी पुराने टाइम से बैठ रहे हो। और अभी लगभग 1956 से मतलब 65 साल के आसपास हो गए। तो सेटअप जो है तब भी ऐसा ही था, अब भी ऐसा ही है? जमीन पे ही बैठते थे। तो उसका कारण क्या है, चेंज नहीं किया आपने? वो हमारे हाथ ही नहीं चलते बिगड़े। अगर हम खड़े हुए काम करेंगे स्टॉल लगा लेंगे तो फिर मजा नहीं है, हाथ ही नहीं चलेंगे। अच्छा, तो भाई ये देख बचपन से बनी हुई है ना, ऐसे ही बनी हुई है। तो भाई ये आप देखेंगे कि आज भी इनका सेटअप जो है पूरा जमीन पे ही है। और ये कह रहे हैं इनके हाथ नहीं काम करते, अगर ये स्टॉल वगैरह शॉप वगैरह लगा लेंगे, और आदत ऐसी ही पड़ी हुई है। तो यहाँ पे जो भी लोग शॉपिंग करने आते हैं इनका एक बार छोले कुलचे तो ट्राई जरूर करते हैं यहाँ पे आके। भीड़ आप चेक करिए कितनी लगी हुई है यहाँ पे, क्योंकि काफी टेस्टी बनाते हैं ये। ये दुकान तो सियाराम के नाम से मशहूर है, सियाराम छोले कुलचे। आज भी जमीन पे बैठ के ये सर्व करते हैं। सबसे पहले आप चेक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे एक भगोना रखा हुआ है। ये मटर है ना भैया? तो ये बॉइल्ड है? पहले बॉइल्ड करके लाते हो? मसाला वगैरह मिक्स करके। अच्छा, पैक बोली थी किसी ने यार। तो भाई यहाँ पे जो है पहले मटर बॉइल्ड करके लाई जाती है, साथ में ही आप देखेंगे इतनी बड़ी इनकी ये कोयले से चलती है, कोयले की भट्टी लगी हुई है। और ऊपर जो है भाई कुलचे गर्मा गर्म सेके जाते हैं, काफी बढ़िया और काफी सही लग रहा है मामला। 85 से हम यहाँ पे खा रहे हैं। 85 से? यस, और 3 रुपए का प्लेट देते थे। तब इनके पापा बैठते होंगे? तब इनके पापा बैठते हैं, अब भी इनके पापा हैं। अच्छा, अभी हैं, कभी कभी आते होंगे, चेंज कर रहे होंगे। हाँ जी, तो तब 3 रुपए में मिलता था, 85 में। आज 30 में हो चुका है, 10 गुना अंतर आ चुका है। टेस्ट वही है आज भी? अच्छा टेस्ट है, बहुत अच्छा टेस्ट है, बच्चे पसंद करते हैं घर ले जाने। अरे क्या बात है, पैक करा के बहुत बढ़िया। तो भाई काफी लोगों को जो है यहाँ पसंद है इनके छोले कुलचे। भाई ये बनाते कैसे हैं? सबसे पहले जो बॉइल्ड मटर है जिसे छोले भी बोलते हैं वो डाली जाती है। ये देखिए भाई मटर मसाला मीडियम है आपका, और भीड़ यहाँ पे इतनी है कि पूछो ही मत। ये क्या डाल रहे हो भैया? हमारा मसाला होता है छोले का, ये गरम मसाला है, छोले का मसाला होता है, छोले का चार का सलाद है, चार का। ये आ गया जी नमक, और ये आम की चटनी है, आम की, इमली वाली नहीं है? नहीं, इमली नहीं लगाते। अच्छा, आम की चटनी डालते हो भाई, ये कुछ अलग है। जनरली लोग जो है इमली यूज करते हैं, तो आम तो बंद हो जाता है फिर कहाँ से? सूखा वाला अमचूर होता है ना। अच्छा, आम चूर आम के बनाते हैं। 380 भाई ये हो चुके हैं छोले यार, साथ में धनिया भी डल चुका है और धड़ाधड़ यहाँ पे पैकिंग चलती है। टाइमिंग क्या रहते हैं अभी आपके? 11 से 4 11 से 4 कितने?
ये लो तीन और चार का दिया तो था अभी चार का। और एक प्लेट कितने की है? 60 रुपए की। 60? उसमें कितने? 3 कुलचे छोले अचार। 3 कुलचे छोले अचार। ये आगे जी छोले, प्याज, नींबू, धनिया और ये अचार। मीडियम मीडियम, बहुत बढ़िया। और भाई यहाँ पे जो है कुलचे भी इसी तरह गर्म होते रहते हैं। पहले डालते हैं धनिया। भैया कुलचे जो है बटर में सिकते हैं? बटर में। ये आगे जी कुलचे। तो भाई कुलचे जो यहाँ पे सिक रहे हैं दवादा भी, ये देखिए भाई बटर आ गया। बटर कौन सा यूज करते हैं? अमूल। अगर किसी को 3 कुलचे ना खाने हो तो? 2.50। 2.50 के है। अच्छा ये आ गया जी धनिया। भाई हमारे छोले कुलचे की प्लेट आ चुकी है जो कि है 60 रुपए की। 60 रुपए में ये 3 कुलचे देते हैं और छोले हैं, प्याज है, चटनी, चटनी तो नहीं है, नींबू है, अचार है मिर्ची का। और एक बार ये देखिए भाई छोले जो आपको दिखाए थे ना मिला के देते हैं, ये वैसे ही है एकदम बढ़िया वाले। साथ में इसमें नींबू डाला जाएगा। ये आ गया जी नींबू। नींबू आ गया भाई। अब मेन मुद्दा है इसको खाया कैसे जाएगा, क्योंकि यहाँ भीड़ देखो आप पीछे कितनी हो रही है। तो भाई इसको चेक कर लेते हैं एक बार, प्याज लेके साथ में छोले। जनरली देखो मटर कुलचे होते हैं ना टेस्टी मिलते हैं दिल्ली में, आप कहीं भी खाओगे टेस्टी मिलते हैं। और इनके भी बढ़िया है टेस्ट में, मसाला डाल के अचार डाल के दिए हैं, गुड है। लाजपत नगर में सेंट्रल मार्केट में अगर कभी भी आपका आना हो तो इनको ट्राई कर सकते हैं। 20 रुपए की छाछ देते हो? 20 रुपए। 20 रुपए का ग्लास तो एक लगाओ बढ़िया से, एक छाछ भी लगवा लेते हैं अपने लिए। छाछ ही है ना ये, कुछ और है? नहीं छाछ बनाओ। अच्छा ग्लास भी हमें ही पकड़ना पड़ेगा। 20 रुपए ग्लास। इसमें कुछ डालते हो? हाँ सर मसाला डलती है। ब्लॉग बना रहे दोबारा बुला लो। तो भाई छोले कुलचे काफी बढ़िया है। 20। अगर आप सुबह सुबह आ रहे हैं तो लाइट एक तरीके का आपका ब्रेकफास्ट हो सकता है यहाँ पे 50-60 रुपए में। नहीं हमने छाछ भी ले लिया है। वाह भाई वाह, मजा आ गया आज तो लाजपत नगर आके। आज भी इसी तरीके से बैठते हैं, कोयले पे ही चीजें गर्म हो रही हैं और कोयले पे ही बन रहा है आज भी। काफी मजेदार है, मजा आ गया। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय, सब आ गया।